Assalamu alaikum dear viewers, this is me Nasir Khan Khail. How to insert a page number from specific page in Microsoft Word. Microsoft Word में किसी खास सफ़ा से पेज से पेज नंबर लगाने का तरीका. Suppose Microsoft Word में हमारे पास एक बड़ी फाइल मौजूद है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, थीसिस है. ये इसमें फर्स्ट पेज है, टाइटल पेज, इस पर नंबर लगाना नहीं चाहते. नेक्स्ट पेज टेबल ऑफ कंटेंट है, इस पर भी पेज नंबर नहीं लगाना चाहते. नेक्स्ट पेज नंबर 3 है, इस पर पेज नंबर 1 यानी सफ़ा नंबर 1 यहाँ से शुरू करना चाहते हैं. यानी यहाँ से जो टॉपिक है और इसकी डिटेल है, ये पेज नंबर 3 पर है और यहाँ पर हम पेज नंबर 1 लगाना चाहते हैं. नॉर्मल रूटीन में जब हम यहाँ पर पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हेड एरिया पर डबल क्लिक करेंगे. इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन मौजूद है पेज नंबर, इस पर क्लिक करें. यहाँ से नंबर के लिए पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज. सपोज़ टॉप ऑफ पेज पर हम नंबर लगाना चाहते हैं, ये वाला नंबर. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज पर जो नंबर है 3 है, यानी ये सफ़ा नंबर 3 है. प्रीवियस पेज पर देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, इस पेज पर पेज नंबर 2 है. यहाँ पर पेज नंबर देखते हैं, फर्स्ट पेज पर पेज नंबर 1 है. अब हम ये जो पेज नंबर 1 और 2 है इस पर नंबर नहीं लगाना चाहते और पेज नंबर 3 से 1 शुरू हो, यानी पेज नंबर 3 पर पेज नंबर 1 आना चाहिए. नॉर्मल रूटीन में हम इस तरह नंबर लगाते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 4 है, इस तरह 5, 6 वगैरह. तो आज की क्लास में इसको हल करेंगे. इसको मैं डिलीट करता हूँ, इस तरह पेज नंबर नहीं लगाना चाहते. हेडर एंड फुटर को यहाँ से क्लोज कर दे. अब इस पेज पर यानी यहाँ पर हम पेज नंबर 1 लगाना चाहते हैं तो इसको ब्रेक करेंगे इस सेक्शन में. यानी यहाँ पर इससे जो प्रीवियस पेज है इस पर क्लिक करें. इसके बाद लेआउट पर चले जाए. लेआउट टैब के अंदर ऑप्शन मौजूद है ब्रेक्स, ब्रेक्स पर क्लिक करें. यहाँ पर है सेक्शन ब्रेक्स. नेक्स्ट पेज, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, इस पर क्लिक करें. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेक्शन 2 है. स्टेटस बार पर आप देख सकते हैं सेक्शन 2 पेज 3 ऑफ 6, यानी ये सेक्शन नंबर 2 है. इसके बाद हम प्रीवियस सेक्शन पर चले जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं. ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इस पेज पर सेक्शन 1 है. सेक्शन ब्रेक करने के बाद अब हम सेकंड सेक्शन पर चले जाते हैं और यहाँ पर हम पेज नंबर लगाना चाहते हैं. तो इसके लिए हेडर एरिया पर डबल क्लिक करें. हेडर एरिया पर डबल क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम पेज नंबर इंसर्ट करेंगे. डिज़ाइन टैब के अंदर पेज नंबर्स पर क्लिक करें. यहाँ पर पेज नंबर के लिए पोजीशन सेलेक्ट करें. सपोज टॉप ऑफ द पेज और ये पेज नंबर है. यहाँ पर आप देख सकते हैं अब भी पेज नंबर 3 पर पेज नंबर 3 है, लेकिन अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है लिंक टू प्रीवियस, इसको ऑफ कर दें. इसके बाद प्रीवियस पेज पर चले जाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं अब भी पेज नंबर 2 पर पेज नंबर 2 है. नेक्स्ट फर्स्ट पेज पर पेज नंबर 1 है. अब इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, यानी इस पर इस तरह क्लिक करें और यहाँ से इसको डिलीट करें बैक स्पेस की मदद से. अब नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन नंबर 2 पर वही पेज नंबर है. अब इस पर क्लिक करें ताकि ये हाईलाइट हो जाए, सेलेक्ट हो जाए. इसके बाद पेज नंबर पर चले जाए और यहाँ से फॉर्मेट पेज नंबर पर क्लिक करें. पेज नंबर फॉर्मेट, यहाँ पर है पेज नंबरिंग कंटिन्यूस फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन. नेक्स्ट है स्टार्ट एट, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें. स्टार्ट एट 1, ओके कर दें. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 3 है जिस पर टॉपिक शुरू है और पेज नंबर आप देख सकते हैं 1. अब क्लोज हेडर एंड फुटर, इस पर क्लिक करें. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज पर नंबर जो लग गया 1 है. प्रीवियस पेज पर चले जाते हैं. टेबल ऑफ कंटेंट, इस पर पेज नंबर नहीं है. नेक्स्ट फर्स्ट पेज पर चले जाते हैं.
यहाँ पर भी पेज नंबर नहीं है। फिर देखते हैं पेज नंबर 1, 2, इस पर नंबर नहीं है। सफ़ा नंबर 3 यानी थर्ड पेज से पेज नंबर 1 स्टार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 4, यहाँ पर नंबर 2 है। नेक्स्ट 3, असल में इस डॉक्यूमेंट में यानी इस डॉक्यूमेंट में ये पेज नंबर जो काउंट करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज 5 of 6 यानी इस डॉक्यूमेंट में ये पेज नंबर 5 है लेकिन इस पर नंबर 3 है। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बहुत बड़ी फाइल के लिए, बुक के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, थीसिस के लिए किसी पेज से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नंबर स्टार्ट कर सकते हैं, यानी स्पेसिफिक पेज से पेज नंबर स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।